उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शैलेश कुमार उर्फ शैलू रावत के आवाहन पर आज ब्लॉक संसाधन केंद्र खीरो में खंड शिक्षा अधिकारी की नकारात्मक कार्यशैली और चयन वेतनमान की पत्रावलियों पर हस्ताक्षर न करने के विरोध में धरना दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश सिंह और उनकी टीम के द्वारा समर्थन दिया गया। जुलाई 2011 में नियुक्त पाए शिक्षकों के सेवाकाल के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जुलाई 2023 में चयन वेतनमान लगना है। इसके संबंध में पत्रावली 4 अगस्त को ही तैयार हो गई, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी की हठधर्मिता और शोषणवादी नीति के कारण कार्यालय को प्राप्त पत्रावलियों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए और संगठनों ने जब प्रकरण के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी से वार्ता की तो कार्य की अधिकता के कारण कहा गया कि 2-3 दिनों में पत्रावलियों में हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, लेकिन पत्रावलियों में हस्ताक्षर नहीं किए गए। अतः उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शैलू रावत ने सभी अध्यापकों के साथ आज स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व धरने के माध्यम से आगाज किया और कहा कि यदि समय रहते कार्य नहीं किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के धरने में मुख्य रूप से शैलू रावत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ महामंत्री सुशील यादव एआरपी रमेश शाश्वत और अमित बाजपेयी रमेश सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला संगठन मंत्री अनुपम त्रिपाठी अनूप कुमार अंकित शर्मा अनुप यदुवंशी अनुपम वर्मा टेकचंद उमेश कुमार शिव मोहन जय सिंह यादव राकेश कुमार जितेंद्र यादव राकेश गौतम आदि सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे।